आज हम द गुड हेल्थ शो में यशोदा हॉस्पिटल की डायरेक्टर और सीईओ, हेल्थ केयर सेक्टर में काफी प्रसिद्ध महिला मिस उपासना अरोरा जी के साथ चर्चा करेंगे। जॉन हॉपकिंस के रिसर्चर्स के अनुसार फिजिशियंस, डेंटिस्ट, फार्मासिस्ट और मैनेजर्स जैसे प्रोफेशंस में विमेन अंडर रिप्रेजेंटेड है। आपका इस स्टेटमेंट के बारे में क्या कहना है? ये रिसर्च बिल्कुल ठीक कहती है। मैं तो कहती हूँ इसके अलावा और भी बहुत सारे फील्ड हैं जिसमें महिलाएं अभी अंडर रिप्रेजेंटेड हैं। उसका कारण ये है कि अगर हम देखें, आज भी जब महिलाएं फाइटर पायलट हो गई हैं, जब महिलाएं ट्रेन चला रही हैं, लेकिन अभी भी समाज के एक हिस्से में महिलाओं को लेके एक दुविधा की स्थिति रहती है और लोग महिलाओं को अपने बॉस के रूप में स्वीकार नहीं कर पाते। बढ़ावा देना तो बहुत दूर की बात है। अगर आप देखें तो हेल्थ केयर में ही बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जिसमें फीमेल्स बहुत कम हैं। अगर आप डॉक्टर्स ही देखें तो कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स हैं डॉक्टर्स के ही जिसमें फीमेल्स नहीं हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो इस फील्ड को मैनेज नहीं कर पाएंगी। ये सारी प्रॉब्लम है लोगों के परसेप्शन की। लोग ऐसा मानते हैं कि महिलाएं ऐसा नहीं कर सकती, जबकि मेरा मानना है कि स्त्री को अगर आप कोई भी चैलेंज देंगे तो वो उसे करके दिखाएगी। मैम, हेल्थ केयर सेक्टर में महिलाओं को किन किन तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? देखिए, हेल्थ केयर में वैसे देखा जाए तो 50% वर्कफोर्स महिलाओं की है, क्योंकि नर्सेज अस्पताल की बैकबोन है और नर्सेज ज़्यादातर महिलाएँ हैं। तो वैसे तो हेल्थ केयर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें महिलाओं को ज़्यादा परेशानियां नहीं उठानी पड़ती, लेकिन मिड मैनेजमेंट तक जब बात आती है टॉप मैनेजमेंट में जाने की, तो फीमेल्स को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जैसे बाकी सेक्टर्स के लिए मैंने कहा, अभी भी लोगों को ऐसा लगता है कि ये बहुत रिस्पॉन्सिबल पोस्ट है और इसको आप कैसे मैनेज करोगी। हालांकि मुझे बड़ी खुशी है कि निर्मला सीतारमण जी ने फाइनेंस मिनिस्टर बनके इस मिथ को तोड़ा कि फाइनेंस पुरुषों का ही, पुरुष प्रधान एक विभाग है। तो इसी तरीके से धीरे धीरे ये सारी चीज़ें बदलेंगी और लोग महिलाओं को स्वीकार करेंगे ऊंचे से ऊंचे पदों पर। मैम, हमारा दूसरा सवाल, पहले के मुकाबले हेल्थ सेक्टर में महिलाओं के योगदान में किस तरह से बदलाव आया है? पहले ऑपरेशंस में महिलाएं बहुत कम होती थी। महिलाओं का मतलब जो हेल्थ केयर में आती थी वो या तो नर्सेज होती थी या डॉक्टर्स होती थी या फिर जो हमारी एक हेल्प होती है जिसे हम असिस्टेंट कहते हैं, उस पोस्ट पे होती थी। इसके अलावा महिलाएं हेल्थ केयर में नहीं हुआ करती थी। तो स्पेसिफिक रोल डिफाइंड थे कि एक महिला है तो वो या तो डॉक्टर होगी या नर्स होगी या वो असिस्टेंट होगी। लेकिन अब चीज़ें बड़ी तेज़ी से बदली हैं और अब लड़कियों ने हेल्थ केयर के ऑपरेशंस को बहुत अच्छी तरीके से करना शुरू किया है। तो आप देखेंगे कि जैसे मेरे, अगर मैं अपने अस्पताल की बात करूं तो यशोदा में ओपीडी मैनेजमेंट मैनेजर्स हैं वो लड़कियां हैं, आईपीडी जो फ्लोर इंचार्ज हैं वो लड़कियाँ हैं। तो ये वो चेंजेस हैं जो आए हैं। और इवन एचआर में महिलाओं की भूमिका, पहले लोग मानते थे कि एचआर मैनेज करना लड़कियों के बस का नहीं होगा क्योंकि ये बड़ा टफ काम है, लेकिन मेरे यहाँ एचआर हेड भी लड़की है। और सिर्फ मेरे यहाँ नहीं, अगर आप देखें तो काफ़ी जगहों पर अब लड़कियाँ अलग तरीके से काम कर रही हैं। और हेल्थ केयर में तो ऑपरेशंस काफ़ी हद तक 30% लड़कियों ने करना शुरू कर दिया है। मैम, ये तो हो गई महिलाओं के योगदान के ऊपर बात, आइए थोड़ी चर्चा करें कोविड के दौरान पुरुषों हेल्थ केयर वर्कर्स के मुकाबले महिला हेल्थ केयर वर्कर्स पर प्रभाव किस तरह से अलग रहा है। देखिए, ये एक बहुत ही ख़राब समय था पूरे विश्व के लिए, भारतवर्ष के लिए, दिल्ली के लिए खास करके। उसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि कोविड के टाइम में, देखिए अब हम लोग काफ़ी हद तक समझ चुके हैं कि कोविड क्या है, इसके क्या प्रोटोकॉल्स हैं, हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, लेकिन जब शुरुआत हुई थी उस समय कुछ भी पिक्चर क्लियर नहीं थी। तो ऐसा होता था कि जो ड्यूटी पर है, जिसने आज ड्यूटी करी है, वो 7 दिन तक अपने घर नहीं जाएगा, 7 दिन के बाद घर जाएगा। तो पुरुषों का तो ये काम इसलिए सहज रहा क्योंकि वो ड्यूटी के बाद, उनके लिए अगर हमने कोई अरेंजमेंट किया था कि बगल में कोई एक होटल लेके उनको रखा
या वो हॉस्पिटल में कहीं रुक गए। लेकिन लड़कियों के साथ ये प्रॉब्लम आई कि बहुत सी फीमेल्स जिनके बच्चे छोटे हैं या जो हस्बैंड वाइफ अकेले हैं, तो उनके लिए काफ़ी परेशानी थी, खास करके अगर वो माँ हैं तो उनका बच्चा उनको इतने दिनों तक ना देख पाना उनके लिए काफ़ी मुश्किल था। इसके साथ ही साथ जो काम पे मान लीजिए जो आते भी थे, तो कोविड के समय में इमोशनल बहुत प्रॉब्लम्स थी। हम लोग अगर ऐसा कहें तो ज़्यादातर लोग इमोशनली बहुत ज़्यादा दुखी थे, बिकॉज ऐसा नहीं होता कि दुनिया का प्रभाव हमारे मन पे नहीं पड़ता, और जो अस्पताल में काम करता है वो देखता है कि एक्चुअली क्या सिचुएशन है। तो ऐसे में महिलाएं चूँकि इमोशनली बहुत इमोशनल होती हैं, तो उनके लिए बहुत मुश्किल था अपने आप को संभाल पाना। लेकिन जैसा कि मैं कहती हूँ कि महिलाओं में एक स्पेशल पावर देकर भगवान भेजता है, कि उन्होंने फिर भी अपने आप को संभाला, बट सेम टाइम घर और अपने काम दोनों की जिम्मेदारी उठाते समय कोविड काल में महिलाओं को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मैम, चैलेंजेस की बात तो हो गई, आइए बेनिफिट्स की बात करें। महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले क्या बेनिफिट्स मिलते हैं हेल्थ केयर सेक्टर में? देखिए, हेल्थ केयर सेक्टर में बेसिकली हमको चाहिए सबसे ज़रूरी होती है सॉफ्ट स्किल, एंड सॉफ्ट स्किल में महिलाएं हमेशा आगे रहती हैं। दूसरा, क्योंकि गायनी डिपार्टमेंट ज़्यादातर महिलाओं से भरा हुआ है, लेकिन अगर आप वैसे पूछें कि बहुत कोई अलग से बेनिफिट है फीमेल्स को, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर खास करके अगर मैं हेल्थ केयर सेक्टर की बात करूँ तो ये स्किल्ड मैन पावर पर डिपेंड करता है, तो हम लोग तो बिना स्किल्ड किसी को रख ही नहीं सकते। तो इसलिए अगर किसी महिला में कोई योग्यता है तो उसके लिए हेल्थ सेक्टर एक बहुत अच्छी जगह है, और वो योग्यता किसी भी फॉर्म में हो सकती है। शी कैन बी अ गुड टेक्नीशियन, शी कैन बी अ गुड डॉक्टर, शी कैन बी अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। तो जिसके अंदर अपनी जो भी स्किल है, अगर वो अच्छी स्किल है तभी उसको जगह मिलेगी, वरना ऐसा कुछ भी नहीं मैं कह सकती कि हेल्थ केयर में महिलाओं को कोई भी प्राथमिकता है। मैम, आपका विमेन के लिए फाइनल मैसेज क्या है? मेरा मानना है अगर आप एक महिला हैं और कुछ करना चाहती हैं, तो सबसे पहले आप खुद में यकीन रखें, बिलीव इन योर सेल्फ। आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए और किसी से मदद की उम्मीद ना रखें। जब तक आप खुद कुछ नहीं करेंगे, कोई आपकी मदद नहीं करेगा। तो मेरा मानना है सबसे पहले खुद पे विश्वास रखें, अपनी मदद पहले स्वयं करें। जब आप किसी जगह पहुंच जाएंगे तब आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपकी मदद के लिए आगे आएंगे, लेकिन उसके लिए पहले आपको प्रूव करना होगा कि हाँ, आप में कुछ काबिलियत है और आप कुछ करके दिखा सकती हैं।